हैदराबाद को साइलेंस कर दिया आरसीबी ने। बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है, मतलब लोग बोलते हुए भी सोचेंगे कि यार आरसीबी है वो आरसीबी जो टेबल के बिल्कुल नीचे, उसने हैदराबाद को साइलेंट कर दिया, पैट कमिंस को, काव्या मरन को। और इससे एक बात क्लियर हो गई कि हैदराबाद की जो टीम है भाई, इनसे तुम पहले बैटिंग करवा लो तो ही तुम्हारी टीम हार सकती है, बट अगर जब ये बाद में बैटिंग करते हैं ना तो मुश्किल इनके ऊपर पड़ती है। क्योंकि एक रिकॉर्ड में देख रहा था जिसके अंदर इन्होंने आई थिंक 13 मैच हारे गए चेस करते वक्त, और सिर्फ एक मैच जीते हैं चेस करते वक्त। तो ये बहुत रेयर सा रिकॉर्ड है इनका कि इनसे चेज़ नहीं होता, ये क्लियर सी चीज़ हो गई। अब ये टैक्टिक्स सारी टीम को पता चल गई। अब अगर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि पहले बैटिंग करे और पहले बैटिंग करके 200 प्लस मारे, और फिर ये 200 प्लस नहीं मार पाते। और जिस तरह का प्री प्लान था, मतलब ट्रेविस हेड के लिए जो प्री प्लान कर रखा था कि विल जैक्स को लेके आएंगे स्पिनर के अगेंस्ट, मतलब नो पेस नो पार्टी ये हैदराबाद के लिए कि आप सामने स्पिनर्स को ले आओ, और वही इन्होंने करा। विल जैक्स को लेके आए, ट्रेविस हेड का कैच पकड़ा, स्वप्निल सिंह ये वही स्वप्निल सिंह जिनको आरसीबी के लिए मैचेस नहीं मिल रहे थे शुरुआत के अंदर, बट टीम हारने लगी तो सोचा नए कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। कोई यंगस्टर नहीं है, 33 साल के, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते, 2016 के अंदर ही पंजाब की तरफ से भी खेल चुके हैं और 2008 में आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेल चुके हैं, बट उतने मौके मिलते नहीं, ज़्यादा कुछ ऐसी खास परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई। बट अभी आरसीबी के अंदर जिनको दो विकेट्स मिले, मतलब ये वो आरसीबी है जिसने पूरे टूर्नामेंट अभी क्वालिफिकेशन के लिए तो जीते नहीं और अब क्वालिफाई नहीं हो रहे तो जीत रहे हैं कि भाई हम दूसरों की पार्टी स्पॉइल कर देते हैं। बट बहुत अच्छा रहा, अगर आप दिल्ली के फैन हो, चेन्नई के फैन हो, मुंबई के फैन हो, लखनऊ के फैन हो, तो आपको खुशी होगी आरसीबी की जीत से, क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल के अंदर आपको मौका मिलेगा। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, विराट कोहली के ऊपर बहुत सारी चर्चाएँ चल रही कि बहुत सारे फैंस विराट को ट्रोल कर रहे हैं, जो कल की इनिंग्स निकल के आई थी 118 की स्ट्राइक रेट से, कि यार वहाँ पे आपके रजत पाटीदार 250 की स्ट्राइक रेट से 50 मार के गए 50/20, और वहाँ पे विराट 51/43 के अंदर खेल के गए। तो टू बी ऑनेस्ट यार, वो थोड़ा सा मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं था विराट से कि इतना बड़ा जो विराट का ऑरा है, विराट वाली इनिंग्स नहीं थी वो अगर देखा जाए तो। और ये मैं मानता हूँ कि यार वो सही इनिंग्स नहीं थी, उस टीम की सिचुएशन के हिसाब से आप थोड़ा सा और एक्सेलरेट कर सकते थे, थोड़ा और अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल सकते थे, क्योंकि ये इनिंग्स और वो कोलकाता वाली जो इनिंग्स थी ना, वो दो इनके लिए मुझे नहीं लगता कि यार ये कोई अच्छी खासी इनिंग्स थी, वर्स्ट इनिंग्स थी अगर आप देखो तो विराट की दोनों इस आईपीएल के अंदर। और ये वो भी नहीं, वो उसको भुला देना चाहेंगे अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर आप उनसे ही पूछोगे तो उनको भी लगेगा कि यार ये विराट वाली इनिंग्स नहीं थी, कि विराट कोहली ने इनिंग्स खेली हो। तो वो थोड़ा सा ये रह गया कि यार अंडर प्रेशर आए या किस तरह से उनसे रन्स नहीं बने उस मौके पे। बाकी आरसीबी बैटिंग लाइनअप के अंदर कल छाया, विराट को आप छोड़ो तो रजत पाटीदार ने जिस तरह से बैटिंग करी, कैमरन ग्रीन का वो छोटा सा एक कैमियो आया, दिनेश कार्तिक जल्दी आउट हो गए बट फैफ का भी एक छोटा कैमियो आया था 25/15। तो आरसीबी ने बैटिंग कर करवा के 200 पार उन्होंने पहुँचा दिया टारगेट। जब बॉलिंग की बात आई तो उन्होंने स्पिनर्स को छोड़ दिया, बोले तुम पेसर को मारते हो ना, अब तुम स्पिनर को मारो। विल जैक्स हो गए, स्वप्निल सिंह हो गए, कर्ण शर्मा हो गए, तो तीनों के स्पिनर्स को खिला दिया, लगातार बॉलिंग करवाई और विकेट पे विकेट आते रहे। क्योंकि अभिषेक शर्मा का जो विकेट आया वो बहुत क्रूशल विकेट था, क्योंकि वहाँ से दो बंदी जिता सकते थे, एक तो अभिषेक शर्मा और दूसरा हेनरिक क्लासेन। और हेनरिक क्लासेन को जिस तरह से आउट करा स्वप्निल सिंह ने, बॉल डाली, बिल्कुल फ्लैट बॉल डाली थी, हैंड्रिक ने ऊपर मारा और सीधे कैच आ गया, तो वहाँ पे फिर उम्मीद टूट चुकी थी। और जो एक्सप्रेशंस थे वो दर्शा रहे थे काव्या मरन के भी कि अब ये मैच हार चुके। और पैट कमिंस का हालांकि वो जो छोटा सा कैमियो आया था कि वो जीता सकते थे, बट वो भी जल्दी आउट हो गए। अगर आप देखा जाए तो हैदराबाद थोड़ा सा स्ट्रगल करती चेस करने में। अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो फिर इनकी वो बनते हैं मीम्स, 300 पार, 400 पार, 200 पार, बट अगर ये दूसरी तरफ बैटिंग करते हैं चेस करते वक्त थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लम आती है। और अगर नेक्स्ट मैच जो इनका चेन्नई से है उसके अंदर मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा सीएसके को कि आप थिक्षाना को खिलाओ, 100% लिख के ले लो इस वीडियो के अंदर, सेव कर लेना इसको, कहीं पे भी बुकमार्क कर लेना। थिक्षाना आउट करेंगे आपके ट्रेविस हेड को, थिक्षाना इतनी गारंटी ले लेंगे कि वो हेड और अभिषेक शर्मा को संभाल के रख लेंगे, इवन हैंड्रिक क्लासिन को भी, बस उनसे पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करवा देना, इवन पहला ओवर ही डलवा देना अगर आप दीपक चहर को नहीं खिला रहे, दीपक चहर को दूसरे के लिए रखना, बट पावर प्ले के अंदर थिक्षाना की बॉलिंग आनी चाहिए और आपको उनको मैच खिलाना चाहिए। आराम से आपको विकेट निकाल के देंगे, फिर आप चाहे चेस करो कुछ भी करो, थिक्षाना आपके वो पर्सन होने वाले हैं। बाकी आरसीबी ने जिस तरह का कमबैक करा, वैसे वो ये कि टेबल्स के लिए तो ये खेल नहीं रहे, अब ये खेल रहे हैं दूसरों की पार्टी स्पॉइल करने के लिए। तो जो साइलेंट करा है, जो रेवेंस था, जो पे बैक वीक चल रहा है उसके अंदर सक्सेसफुल हो गई आरसीबी, साइलेंस कर दिया पूरे क्राउड को और पूरी हैदराबाद को, पैट कमिंस को, काव्या मरन को, विराट कोहली खुश थे, फैफ दू प्लेसी खुश थे। फैफ ने बोला कि यार मेरे को आदत नहीं है इतनी लंबी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की, क्योंकि मैं आता था और चले जाता था, और आज हमको बहुत अच्छे से नींद आने वाली है। तो ये भी कॉन्ग्रेचुलेशन आरसीबी भाई,
आपने जिस तरीके की परफॉर्मेंस करी, हालांकि ये परफॉर्मेंस थोड़ा 4-5 मैच पहले आ जाती तो आप क्वालिफाई भी कर सकते थे, बट अभी बहुत रेयर चांस है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेटेड लेके बैठो तो मामला बैठने वाला है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।